हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? युवराज, यश शर्मा, बोलो। युवराज, आवाज आ रही है मेरी? युवराज, आवाज आ रही है मेरी? यस ओके, वेरी गुड। देखो, हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे, बताओ आप मुझे। हमने नोटबुक में देख के बताओ, जिसने वर्क कर रखा है, वक्त तो सब दे कर रखा है ऑलमोस्ट, तो बताओ कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए। हाँ, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने, याद है आपको? क्वेश्चन कहाँ तक हो चुके थे हमारे? क्वेश्चन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग इज ग्रेटर एंड और इज द लेस देन। यानी आपको बड़ा और छोटा इसमें बताना है, ठीक है? ग्रेटर देन और लेस देन, समझ में आया? आपको क्या राइट करना है इसमें, ग्रेटर देन और लेस देन, कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये तो आपको मैंने बताया ही था कि बड़ा छोटा कैसे करोगे, कि यस मैम। ये इससे छोटा है या बड़ा है, ये बताना है, ठीक है? समझ में आया? यस यानी कैसे मैम। लिखोगे, क्या तो लेस देन लिखोगे, क्या ग्रेटर देन लिखोगे, ठीक है? समझ में आया? तो देखो, पहले फर्स्ट पॉइंट देखो, ये क्या है आपका? फाइव क्या है ये? फोर। फाइव में फाइव पहले लगाया तो फोर हो गया ना, फोर। यस और मैम। ये आपका नाइन, तो फोर नाइन यस मैम। से छोटा है या बड़ा मैम, है? नाइन बड़ा है और फोर छोटा है। मैम, छोटा है तो नाइन फोर बड़ा है। लिखो, फोर लेस देन नाइन, यानी छोटा है नाइन से। क्या छोटा है? फोर छोटा है, समझ में आया? यस मैम। फोर यस लेस देन नाइन, यानी नाइन से फोर छोटा है, कब है, समझ में आया? फिर देखो, बी में आपका क्या मैम। कितना दे रखा है? मैं पूछूं वही बताएगा परिधि, आप बताओ बी के अंदर क्या दे रखा है फर्स्ट? बताओ। मैम इलेवन 16। देखो, 10 और 5 क्या होता है? 15। 15 और 1 16। 16 रुपए। इधर देखो, इधर कितने हैं? इधर 10, 20, 30। इधर तो है 30 और इधर है 16, तो बताओ ये छोटा है ना 30 से? यस लेस देन, मैम। देखो 16 लेस देन 30, 16 जो है वो 30 से छोटा है। फिर सी में देखो, 11 है और इधर है 7, तो 11 7 से बड़ा है या छोटा है? इलेवन है ना, बड़ा है और सेवन छोटा है। ना? तो 11 ग्रेटर देन, इलेवन ग्रेटर देन 7, यानी जो 11 है वो बड़ा है 7 से। समझ में आया कि कहाँ पर लेस देन लगाना और कहाँ पर ग्रेटर देन? ये अगर अगर इन दोनों में से आगे वाला छोटा है तो लगाओ लेस देन, और अगर इन दोनों में से आगे वाला बड़ा है तो लगाओ ग्रेटर देन। समझ में आया?
इसको नहीं तो पढ़ के देख लो कि 9, 11 जो है वो ग्रेटर देन है 7 से, यानी 7 से बड़ा है, ठीक है। और इसका मतलब हो गया कि 4 जो है वो 9 से लेस देन है, छोटा है। समझ में आया? फिर डी का देखो, इधर दे रखा है आपको 8 और इधर दे रखा है 12, तो बताओ क्या लिखूं, लेस देन या ग्रेटर देन? मैम लेस देन। हाँ, क्योंकि इधर छोटा है ना, यानी जो 8 है वो 12 से लेस देन है, 8 लेस देन 11, 12, ठीक है, समझ में आया। फिर देखो ई का, यहाँ पर आपको दे रखा है 20 और यहाँ पर आपको दे रखा है 21, देखो 10, 20 और 21, यहाँ पर दे रखा है 10, 20, तो बताओ 20 से 21 20 जो है वो 21 से छोटा है ना, तो लिखो yes, ma'am. 20 less 21, एक ही छोटा हो, यानी 1 ही कम हो ज्यादा हो उसमें भी लेस देन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो एफ का, यहाँ पर 10, 15, 16, 17, ये आपका क्या है 17, ये देखो 10, 15, 16, 17, 18, तो 18 ज्यादा हो गया ना इधर, इधर कम है, इसका मतलब ये 17 है, 18 है, तो ये लेस देन हो गया ना, 17 लेस देन 18, ठीक है। फिर देखो जी में 10, 20, 25, और ये कितना है 9, तो 25 ग्रेटर देन 9, बड़ा है ना, ग्रेटर देन 9, समझ में आया। फिर देखो यहाँ पर 10, 20 और ये क्या है 30, देखो 10, 20, 30, तो 30 बड़ा है, 20 छोटा है, तो क्या लिखोगे, लेस देन 20 लेस देन 30, समझ में आया। किसी की कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो और वो बोल भी नहीं रहा हो? मैम आ गया समझ में। कोई बच्चा ऐसा नहीं है ना, सबको आ गया ना, सबको आया? एक बार वापस से देख लो इसको, मैम देख लिया। सबने सबने देख लिया? यस मैम, यस मैम। किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रफ कर दूं? नो मैम। रफ? यस मैम। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एड द फॉलोइंग एंड राइट द आंसर इन हिंदू अरबी। आगे दिख जाएगा ना, न्यूमरल्स।
फर्स्ट है 5 + 5, बताओ कितना होगा? आपसे पूछूंगी मैम, मैम 10। हाँ, फिर बी का बताना। बताओ मैम 13। मैम 3। कितना मैम? 13। 13, वेरी गुड। आगे आगे बताओ। मैम बोर्ड ही नहीं दिख रहा। क्या मैम अब दिख रहे हो? मैम 90। मैम 90 है ना थर्ड वाला? अभी बता रही हूँ, रुको। देखो आपको इसमें क्या करना है, एड द फॉलोइंग, यानी जितने भी ये फॉलोइंग्स में दे रखा है आपको इसको एड करना है। राइट द आंसर इन द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, यानी आपको आंसर किन में देना है? हिंदू अरबिक 1, 2, 3, जैसे अपन काउंटिंग करते ना उसमें देना है आपको, ठीक है? तो देखो फर्स्ट का है 5 + 5, तो 5 + 5 कितना होता है? 10। फिर देखो 3 और 10 कितना होता है? 3 + 10 कितना होता है? 13। तो यार छाई में 13। फिर देखो 10 और 5 कितना होता है? 10 + 5 कितना होता है? रोमन नंबर 15। कितना होता है? 10 और 5 कितना होगा? 15। फिर देखो 10 नहीं है, 2 और 10 22। तो लिखो मैम 22। मैम 22 प्लस 10 कितना हुआ? 22, या फिर 2 तो सीधा यहाँ पर 20 भी लिख सकते हो, ठीक है? फिर देखो यस मैम 10 और 1 11, और 10 और पहले है तो 9 है ना, तो देखो 10 11 + 9, ये आपका 11 है, ये 9 है, क्योंकि ये 10 के बाद में 1 लगा है तो 11 हो गया, ये 10 से पहले 1 लगा है तो 9 हो गया, तो 11 + 9 कितना होता है? 20 होता है ना मैम? 20 तो 20 मैम 20। फिर देखो 5 और 4, देखो 5 से पहले लगा तो ये 4 हो गया, ये 5 + 4 कितना होता है? 9। समझ में आया? फिर देखो 10 20 25 और 10 कितना हुआ? 25 + 10 कितना हुआ? 35। देखो 10 20 25, यस मैम, आपका 25 हो गया, प्लस 10 10, 35 हो गया ना। फिर नीचे का देखो, ये आपका 30 है, देखो 10 20 30, तो देखो 30 + 10 20 तो 20 30 20 को प्लस करें तो कितना आएगा? 50। तो आंसर आ गया 50। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे के? किसी बच्चे no, के मैम नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया प्रकाश, हितांशी, परिधि। यस मैम। देखो इसको वापस से, देखो इस कटिंग से, मैम देख लिया सबने? आप दिखाई नहीं दे रहे, सबने देख लिया?
यस मैम आप ध्यान नहीं दे रहे रफ कर दो ना या नो मैम क्या करोगे तो मैम दिखाई नहीं कितनी देर से क्या कर रहा है आपको तो होमवर्क में दूंगी ना मैं ये करना ओके मैम अपने पेड़ नोटबुक में फिर क्या प्रॉब्लम है यस मैम अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा 10 क्वेश्चन नंबर 7 इक्विवेलेंट नहीं है इवैल्यूएट है इवैल्यूएट एंड राइट द रिजल्ट इन रोमन टेन माइनस फाइव बताओ आप क्या होगा मैम 15 मैम 50 किसी में प्लस दे रखा है किसी में माइनस दे रखा है जरूरी नहीं है आप सब में ही करोगे माइनस प्लस है इसमें माइनस है इवैल्यूएट का मतलब है सॉल्व करना ठीक है मैम 10 का 10 ही आएगा वैल्यू निकालना होता है हल करना होता है अपने वॉल्यूम को आवाज आ रही है एफ का है 10 माइनस 10 20 माइनस 10 जी का है 10 माइनस 6 अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 इवैल्यूएट एंड राइट द रिजल्ट इन रोमन यानी जो रोमन नंबर दे रखे हैं आपको उनको इवैल्यूएट करना है यानी हल करना है ठीक है तो देखो कैसे करोगे 10 में से यहाँ पर माइनस दे रखा है 10 माइनस 5 है ना तो 10 में से 5 माइनस yes, 10 में से 50 माइनस करना है 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मैम 5 मैम 5 देखो फिर 2 में प्लस करना है 5 तो 2 में प्लस कर दो 5 कितना आएगा मैम 7 7 मैम 7 मैम 7 फिर 4 में 5 प्लस करो कितना आएगा 4 में मैम 9 अब ये बताओ ये कितना है सबको पता है क्या बताओ कितना है यस मैम बताओ कितना है ये बताओ मैम 25 देखो मैम 25 20 25 कितना हुआ 10 25 25 plus 10 plus
135 135। ये आवाजें किस प्रकार की आ रही है, म्यूट कर लो अपनी वॉल्यूम को। फिर देखो आपके दे रखा है यहाँ पर 11 प्लस 4, 11 और 4 कितने होंगे 15। फिर F का देखो, F में आपको दे रखा है 20 माइनस 10, यानी 20 में से 10 माइनस करना है तो कितना आएगा, 10 ही ना मैम, 10 ही आएगा। 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 प्लस 14। कितना आएगा मैम, 10 14 मैम, 10 6 माइनस करेंगे, 20 में से 6 माइनस करें कितना आएगा 14 मैम, सॉरी ध्यान और किधर गया आज हां। फिर देखो मैम सॉरी, 20 में 2 माइनस 30, देखो 10 20 30, 30 में 2 माइनस करो कितना आएगा 30 में 2 28 फिर देखो 10 और 5 होता है 15, 15 से 10 माइनस करो, 15 में से 10 माइनस करो कितना आएगा 5 5 5। फिर देखो 5 और 5 कितना होता है 10, ये ऐड है देखो मैम, 10 देखो करो, ये माइनस हो रहे हैं ये प्लस है मैम, 10 5 प्लस करोगे तो 10। सबको समझ में आया, किसी बच्चे yes, मैम। किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नो मैम, नो मैम। तो ध्यान से देखो स्टार्टिंग से, क्या माइनस और प्लस में आपको पता चल रहा है ना, कहाँ कहाँ माइनस हुआ है, कोई प्लस तो नहीं हुआ ना, दोबारा चेक करो। चलो किया सबने चेक? यस मैम, चेक। 10 में से 5 माइनस किया, 10 में से 5 माइनस किया तो कितना हुआ, 2 में 5 प्लस किया तो बना 7, फिर 4 में 5 प्लस किया तो बना 10, कहाँ बनेगा 9 बनेगा, गलती से हो गया है। यस मैम, आपने भी नहीं बताया मैम, सॉरी मैम, सॉरी। सब बच्चों को कह रही हूँ, स्पेशल आपको तो कह नहीं रही हूँ। सबको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे चेक करो, देखो 25 और 5 10 कितना हुआ 35। फिर देखो 11 और ये कितना है 4 कितना हुआ 15। फिर 20 में से 10 माइनस किया 10, 20 में से 6 माइनस किया 14, 30 में से 2 माइनस किया 28, 15 में से 10 माइनस किया 5, 5 में 5 प्लस किया 10। सही है ना? यस मैम। परिधि समझ में आया? यस मैम। किताब मैम, किताब मैम, मैम समझ में आ गया। ओम प्रकाश मैम, धर्मेश समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? और बच्चे क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? यश शर्मा नहीं आया आज? और बच्चों वो लोग क्लास ले, ठीक है ना? आज मैंने आपको करवा दिए हैं क्वेश्चन 5 6 7, ये आपको मैं वर्क में दूंगी, आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, ठीक है ना? किसी भी बच्चे के इन तीनों क्वेश्चंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल पूछना, ठीक है?
ओके ना। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय।